वर्गीकरण के विरोध में यहाँ पर आजाद समाजवादी पार्टी मैदान पर उतर चुकी है और भारत बंद का समर्थन कर रही है। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं, जय पवन गुर्जर इनसे बात करेंगे। क्या विरोध है वर्गीकरण का? देखिए, जो इसमें क्रीमी लेयर बना करके ये एक संगठित समाज को बांटने का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मंशा जो है वो खराब है। और अगर इसको लागू किया गया और समाज को बांटने का काम किया गया तो इसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और किसी भी कीमत पर आजाद समाज पार्टी और उसका नेतृत्व समाज को बंटने नहीं देगा। उसी की आज आवाज को लेकर के हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और अगर जल्द इस पर रोक लगाई गई हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो उग्र आंदोलन पूरे देश में होगा, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी। चेतावनी दे रहे हैं ये? बिल्कुल चेतावनी, बिल्कुल उग्र आंदोलन होगा। दो अप्रैल की चीजें, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, सरकार जानती है कि जब संविधान के साथ छेड़छाड़ इन लोगों ने की थी तो देश में किस तरह का माहौल हुआ और उस माहौल की जिम्मेदार भी सरकार थी और आगे भी अगर कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की होगी। सोच समझ के बोल रहे हैं 2 अप्रैल 2018? बिल्कुल सोच समझ के बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें वर्गीकरण में क्या दिक्कत क्या है? क्योंकि अगर किसी के परिवार में डीएम एसएसपी या आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो उनके संपन्न हो गया परिवार, फिर उसमें क्या दिक्कत? देखिए, दिक्कत यह है, या तो यहाँ से जातिगत व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया जाए। अगर जातिगत व्यवस्थाएं खत्म हो जाती है तो आरक्षण अगर खत्म सरकार करती है तो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब तक देश मूल रूप से जातिगत आधार पर बटा हुआ है, ऊंच नीच का भेदभाव है, तो प्रमुख रूप से आरक्षण की मांग हम लोग करते रहेंगे और आरक्षण हमें इस चीज की जरूरत है। अच्छा, वाल्मीकि समाज यहाँ पर है और वाल्मीकि समाज आप लोगों का विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि हम भारत बंद के पक्ष में नहीं है, इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से सोचता है, वो किस नजरिए से सोच रहे हैं वो उनकी बात है, वो बताएंगे कि क्यों वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं। अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो समर्थन कर रहे हैं तो उनकी अपनी रीति और नीति होगी, क्या सोच के वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं। हम लोग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की लगातार लड़ाई लड़ते हैं और हमारा जो संगठन है, हमारा जो नेतृत्व है, वो सभी इन समाजों की लड़ाई लड़ता है और इसको मजबूत बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है, इसका विरोध किया गया है। मैंने कहा है अगर जातिगत व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया जाता है तो कहीं भी आरक्षण को लेकर कोई समस्या पैदा नहीं होगी। आपके साथ मैं देख रहा हूँ काफी युवा लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश तदीना, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता। तो क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बात तो नहीं कही आरक्षण खत्म किया जा रहा है, वो तो आरक्षण दे रहे हैं। नहीं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं और आज आपको जानकारी मिली है? जी, आजाद समाज पार्टी जब वो आपके साथ खड़े हैं जिला अध्यक्ष जी, पूरी जानकारी नहीं है इनको आरक्षण कहाँ खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म करने की बात हमने कहाँ कही आपसे? कह रहे हैं मैं, हो सकता है कुछ अनभिज्ञ जानकारी हो, जानकारी पूरी देनी है ना कुछ। देखिए, जो समाज ऐसी तो हो सकता है कि माहौल कहीं खराब हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो समाज है, जो एससी एसटी ओबीसी का समाज है, वो बहुत पिछड़ा समाज है। अभी भी जो पढ़ाई का शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत निम्न स्तर है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है ऐसी भ्रमता फैल जाती है। लेकिन हमने कहीं भी हमारे क्षेत्र में, आप जानकारी कर सकते हैं जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, हमने कहीं भी गुमराह नहीं किया है। जो क्रीमी लेयर की बात है उसी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं और मूवमेंट चला रहे हैं। आप सबको पता है कि आदेश क्या है सुप्रीम कोर्ट का? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था कि जो एससी एसटी आरक्षण है उसको जो है उनको भी प्रदान किया जाए, जो होने वाली हो रहा है। खैर, क्या प्रदान किया जाए? आरक्षण दूसरी अदर कास्ट को भी प्रदान किया जा रहा है, हमारे साथ साथ वाल्मीकि अदर कास्ट एससी एसटी को। पहले भी था क्या? उसमें पहले था जो आपकी बात को। तो यहाँ पर आजाद समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष को जानकारी हमें लगा कि पूरी तरीके से है, लेकिन उनके साथ जो समर्थन में आए हैं उनको ये जानकारी है कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर सड़कों पर है। हम एक तरीके से सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ये आदेश नहीं दिया है कि आरक्षण खत्म हो। आप अपनी नेताओं की बात जरूर सुने, लेकिन एक बार खुद अपनी तरफ से वेरीफाई भी कर लें। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।